हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज की जो वीडियो है ये क्रेलोन की स्टिक फाउंडेशन और ड्राई बेस के ऊपर है। बेसिकली समर्स में जो है वो बेस किस तरह से बना सकते हैं और आज की जो है ये फुल स्टेप बाय स्टेप बेस बनाने की जो है ना टेक्निक मैंने शेयर की है, और इससे जो है ना बेस भी आपकी ख़राब नहीं होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। अच्छा, लास्ट वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने क्रेलोन स्टिक फाउंडेशन और इसी क्रेलोन की जो ड्राई पेन केक है उसके सिलेक्शन के बारे में बताई थी मैंने कि आपने कौन सा जो शेड्स हैं उसमें ऐसे जिसकी आपने सिलेक्शन करनी है। अच्छा जी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले अच्छी तरह से स्किन को क्लियर करके और मॉइस्चराइज़ करके मैंने प्राइमर लगा दिया था। प्राइमर जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ से जो हमारी स्किन से जिस पार्ट से जो है ऑयल आता है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या पोर्स ओपन का इशू होता है वहाँ पर प्राइमर लगाते हैं। देन प्राइमर के बाद मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की जो ना ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। ऑरेंज करेक्टर जो है मैंने क्रेलोन का ही लिया है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसको इंट्रोड्यूस भी करवाया था कि ये हमारे डार्क सर्कल को, हमारे जो जितने भी जो है ना फेस पे अनइवन स्किन होती है हमारी, जहाँ जहाँ डार्क स्किन हमारी होती है आप उस जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिंगर की मदद से आप इसको अप्लाई कर लें और इसकी क्वांटिटी आपने बहुत कम लेनी है, क्योंकि हमने इसके बाद स्टिक फाउंडेशन भी लगाना है, हमने इसके बाद लिक्विड फाउंडेशन भी लगाना है। दोनों में से चॉइसिस आपके ऊपर है। आप लिक्विड फाउंडेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन स्टिक फाउंडेशन हमने इसके ऊपर लगानी है। अच्छा जी, ये पहले मैंने अच्छी तरह से जो है वो कलर करेक्टर जो है ना करके और उसको मैंने बिल्कुल ब्लेंड कर दिया, और बहुत कम क्वांटिटी मैंने लिया है क्योंकि हमें सेकंड लेयर्स भी इस पर लगानी है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने 38 नंबर लिया है, क्रेलोन की स्टिक है, और इसी के साथ जो है आज हम पूरा लुक करेंगे कि आप क्रेलोन के साथ किस तरह से जो है ना बिल्कुल एक लॉन्ग लास्टिंग समर्स में बेस बना सकते हैं। अच्छा जी, 38 के बाद मैंने हाइलाइटिंग पार्ट्स पे, जैसे कि आइस के नीचे है, सेंटर फॉरहेड है, आइस के ऊपर अपर लिप चिन एरिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है आइवरी कलर की स्टिक यूज़ की है, क्योंकि जब इन दोनों की ब्लेंडिंग होगी तो ब्लेंडिंग के साथ जो है हमें हाइलाइटिंग पार्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा फेयर जो है ना लुक मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जो क्रेलोन की जो स्टिक फाउंडेशन होती है, ये इसकी जो ब्लेंडिंग होती है सबसे बड़ा मसला जो है ना यहीं पर ही आता है, क्योंकि स्टिक की तो कवरेज बहुत अच्छी है, मतलब हाई कवरेज फाउंडेशन है ये, और ये कम ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसकी कितनी कवरेज चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कवरेज ले सकते हैं। लेकिन इसकी ब्लेंडिंग का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये स्टिक होता है और स्टिक फाउंडेशन जो है वो हमेशा ब्लेंडिंग में बहुत मसला करते हैं। लिक्विड फाउंडेशन तो आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन स्टिक फाउंडेशन में ब्लेंडिंग का जो है ना मसला होता है। अच्छा, अगर आपने सिर्फ क्रेलोन की स्टिक ही फेस पे लगाई है तो वो, और आपने उसके बाद फाउंडेशन या कोई भी ड्राई पैनकेक नहीं लगाया, तो आपकी जो स्टिक है वो लाजमी कुछ टाइम बाद या तो उस पर ऑयल आ जाएगा जो हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल होता है, या फिर जो है ना उस पर लाइन्स आ जाएंगे। अच्छा, मैंने स्टिक के साथ फाउंडेशन मिक्स किया है, इससे जो है ना स्टिक की जो ब्लेंडिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैं स्टिक को, अच्छा स्टिक सिर्फ आपने स्टिक अगर लगानी है आपने तो, और फाउंडेशन आपने नहीं लगाया इसके साथ आपने मिक्स नहीं किया, तो आपकी जो स्टिक की ब्लेंडिंग है वो इस तरह से कभी भी नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि कितना, मतलब कितना सॉफ्ट टाइपिंग चल रही है, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से ही ये कितना ब्लेंड अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन हमने मिक्स किया हुआ है, और फाउंडेशन जो है ना वो लिक्विड होता है, उसकी वो अपनी ही मतलब कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना स्टिक को ब्लेंड कर देता है। अच्छा, ब्लेंडिंग में जो है ना इससे काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती है फाउंडेशन मिक्स करने से, और इसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। मतलब आपने अगर ड्राई पेन के किसके ऊपर या कोई भी वेट बेस इस पर यूज़ नहीं भी करना, तो आप सिंपली जो है ना स्टिक को, फाउंडेशन को, दोनों को मिक्स करके अगर आपने बेस बनाई है तो आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और लास्ट बहुत अच्छा करेगी। और जो स्टिक, सिर्फ स्टिक के साथ जो हमें लाइंस मिल जाती हैं कुछ टाइम बाद ऑयल भी आ जाता है,
जाता है फेस पे, और आइज़ के नीचे या फिर साइड में जो नोज़ के लाइंस आ जाती हैं, तो वो भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, दोनों चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद मैंने 38 ड्राई केक नंबर लिया है, और इसको मैंने वेट ब्रश करके मैंने हल्का सा लिक्विड बनाया, बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी के साथ मैंने इसको लिक्विड बना के, और मैं इसको जो है ना अब कवर कर दूँगा पूरे फेस पे। ठीक है, पूरे फेस पे मैंने ब्रश की मदद से लगाया, और देन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दूँगा, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये वेट बेस जो होते हैं उससे ज़्यादा ड्राई बेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत आसान है, और ये आप जो है ना मतलब विदाउट स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, ये कहीं भी ख़राब नहीं होता। अच्छा, गर्मियों में सबसे ज़्यादा मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग बेस होती है वो इसी बेस से होती है, ये ड्राई बेस से। आप इसको ऐसा कॉम्पैक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आपने नेचुरल लुक चाहिए, अगर आपको आपने जो ना स्टिक लगाई, स्टिक के बाद आपने इसको ना ब्रश की मदद से या बिल्कुल लिक्विड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट जो है ना पाउडर की तरह जो है ना डायरेक्ट आप इसको ड्राई स्पंज के साथ आप जैसे कॉम्पैक्ट लगाते हैं इस तरह भी लगा सकते हैं। अब देखें, मैंने ये मेरे पास F1 नंबर है जो फेयर पे जाता है, और मैंने इसको वेट नहीं किया, मैंने ड्राई स्पंज लिया है, और मैं इसको कॉम्पैक्ट की तरह जो है ना पूरे फेस पे लगा रहा हूँ। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो आइज़ के नीचे या हाइलाइटिंग जो पार्ट्स होता है हमारे फेस पे, जहाँ पे हमने हल्का सा फेयर दिखाना होता है, वहाँ पे मैं जो है ना ये ड्राई जो है ना स्पंज के साथ ड्राई ही लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी जो बेस है वो भी फिक्स हो जाएगी, और हमें पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमें एक फेयर लुक भी मिल जाएगा, जहाँ जहाँ हमें इसकी एप्लीकेशन चाहिए थी वहाँ हमने लगा दिया। ठीक है, ये फिक्स बेस हो चुका है, अब इसके बाद कुछ मतलब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ बेस जो है ना ये बन चुकी है, और इसकी जो टेक्निक जो हमने शेयर की है, आप इसी टेक्निक के साथ बेस बना के जो है ना वो अपने जो लुक्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, मैंने पाउडर नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट जो है वो हाइलाइटर दिया है, क्योंकि ड्राई बेस होते हैं तो ये गर्मियों में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जो है ना ये स्किन जो है इससे बिल्कुल ड्राई हो जाती है, मतलब ऐसी ड्राई नहीं होती कि सुपर ड्राई हो गई आपको जो है ना वो फेस पे ड्राइनेस फील हो रही है, बस ये है कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाती है, तो हल्का सा जो है ना मैंने इसको हाइलाइटर से कवर किया है और फेस पे ग्लो दिया। ठीक है, सो देखें कि कितना फेस पे जो है ना ग्लो आ गया, हमारी बेस, हमारी फाउंडेशन सब फिक्स हो गई। ये देखें, करीब से जो है ना बिल्कुल कहीं से भी जो है ना आपको बेस ख़राब नहीं लगेगी, बिल्कुल परफेक्ट बेस बनी हुई है, और इस चीज़ को फाउंडेशन को मिस करने से ही आपकी बेस बिल्कुल फिक्स हो जाती है, लेकिन मैंने क्योंकि हमें गर्मियों के हिसाब से बेस बनानी थी तो हमने इस पर ड्राई बेस का यूज़ किया है और मैंने पाउडर यूज़ नहीं किया। अच्छा जी, बेस कंप्लीट हो चुकी है, अब मैंने हल्का सा जो है ना कंट्रोल किया है फेस को, फेस कंट्रोल के साथ साथ जो है ना हल्का सा नोज़ को कंट्रोल किया है, और इसके साथ जो है ना मैंने पिंक ब्लशन दे दिया ताकि हमारा फेस जो है वो बेस के साथ अच्छा लगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको प्रॉपर वीडियो जो है ना समझ आई होगी, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैंने डिटेल में जो है ना वीडियो को आपके साथ शेयर किया है, तो लाजमी इस टेक्निक के साथ आप बेस बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।